पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है कि हमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हमारे सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रही है, इचीनेस हो रही है, हमारी स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा डैंड्रफ से भर चुकी है। तो मुझे हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंस्टा पर, वाईटी पर, हर जगह पर सेम ही कमेंट मेरे से ही आजकल जो है वो पूछ रहे हैं। और आजकल मैं हर कमेंट के ऊपर ही वीडियोज बना रही हूँ। तो आज ही हमारे बहुत प्यारी एक फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझसे इंस्टा एंड वाईटी दोनों पे कमेंट किया कि उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बिकॉज रीजन उसका है डैंड्रफ, क्योंकि उनके सिर में, उन्होंने मुझे फोटो भी भेजी कि उनके सिर में इतनी ज्यादा डैंड्रफ हो रही है। तो प्लीज आपको ये सोल्यूशन लेकर आइए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रही है, देखो मेन कारण डैंड्रफ की वजह से ही हेयर फॉल होता है। जब हमारी स्कैल्प के, जो हमारी स्कैल्प है, हेयर लाइन्स है, अगर इसमें बहुत ज्यादा डैंड्रफ जो है वो जम जाती है, बिल्डअप हो जाती है, तो उससे हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ठीक तरीके से ब्रीथ नहीं ले सकते, यानी सांस नहीं ले सकते। तो मोस्टली हेयर फॉल हमें जो स्टार्ट है वो यहीं से ही होता है। और कई बार ये हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना सीरियर हेयर फॉल हो जाता है कि इसके तो कुछ कहने ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि डैंड्रफ होने का कारण क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसको हम आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं नहीं बोलूंगी कि अपने बालों में लोग दही लगाओ, क्योंकि मोस्टली सब लोग यही बोलते हैं कि आप दही लगा लीजिए, उससे आपके बालों का डैंड्रफ चला जाएगा, नींबू लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, वो ऑयल लगा लीजिए, ऑयल मसाज करने से आपका डैंड्रफ चला जाएगा। ये सब बातें मैं नहीं करने वाली हूं इस वीडियो में, क्योंकि देखो जनरल आपको एक सोच, अपना एक टॉपिक, अपनी एक खुद, मुझे बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, मेरी जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाती है। तो आज देखो मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बताती हूं, अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है ना और आप ऑयल लगा रहे हो तो देखो कोई बेनिफिट नहीं देता। आप कितना महंगे से महंगा 2,000, 5,000, 10,000 कितना भी महंगा, या फिर आप घर पर भी बनाकर ऑयल लगा लोगे तो वो बेनिफिट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपकी स्कैल्प जो है उसमें ऑलरेडी डैंड्रफ है, आपकी स्कैल्प में ऑलरेडी डैंड्रफ जो है वो जमा, एक लेयर होती है डैंड्रफ की, वो ऑलरेडी जमा हो चुकी है। अब उसके ऊपर आप अगर ऑयल लगा रहे हो तो वो ऊपर की सतह पर है, वो नीचे नहीं जा रहा है, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स, हेयर लाइंस के अंदर नहीं जा रहा है। अगर वो नहीं जाएगा हमारे हेयर्स के अंदर, कोई भी चीज हम अप्लाई करेंगे वो हमारे रूट्स के अंदर ही नहीं जा रहा है, तो फिर हमें हेयर फॉलिकल्स, जो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो वो रिड्यूस कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे मेन काम हमारा, अगर हमें डैंड्रफ होता है तो सबसे मेन काम हमारा होता है, हमें अपने डैंड्रफ को क्योर करना पड़ेगा। देखो डैंड्रफ को कोई भी ऑयल, बहुत सारी होम रेमेडी वर्क करती है, पर बहुत सारे लोगों को रेमेडीज वर्क नहीं करती। तो देखो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ क्योर करना है तो स्पेशली जो शैम्पू डिजाइन किए जाते हैं, इससे पहले मैंने सेल्सन शैम्पू पर एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को पता होगा, मेरे चैनल पर अपलोड है। तो देखो जो डैंड्रफ के शैम्पू, स्पेशली जो डैंड्रफ को लेकर ही शैम्पू बनाए जाते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, आपके जो है वो लेयर को डैंड्रफ की वन वॉश में ही क्लियर कर देते हैं, उसके बाद अपनी कुछ भी अप्लाई करोगे तो वो आपके रूट्स के अंदर जाएगा। तो ऐसे ही कुछ हेयर केयर रेंज आपके लिए लेकर आई हूं जो डायरेक्टली आपके जो बालों की हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, साथ के साथ में आपके बालों को बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा, आपके जो है वो हेयर फॉलिकल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जितना भी डैंड्रफ है वो आपको वन टाइम में ही, बिफोर एंड आफ्टर, आप खुद से फोटो क्लिक करके रख लेना हेयर वॉश करने के बाद। क्योंकि मुझे अब, जैसे आप देखो मानसून सीजन आ रहा है, मानसून सीजन में सबसे ज्यादा हेयर में चिपचिपाहट होती है, आप देखोगे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों को तो इसी सीजन में ही डैंड्रफ होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प होती है बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, तो हमें लगता है जब हम अपने हाथों को ऐसे करते हैं, आप कई बार देखो ये जनरल फैक्ट है, ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है, आप एक बार खुद से अपने हेयर्स में इस तरीके से करके देखना। ये देखो मैं खुद से अपने नेल्स में दिखा रही हूं, तो कुछ इस तरीके का बनकर आता है। हम सोचते हैं कि ये तो ऑयल डस्ट है, बट ये एक तरह का डैंड्रफ ही होता है, ये एक तरह का डैंड्रफ ही होता है, जो हमारे बहुत माइनर रहता है लेकिन हमारे रूट्स पर रहता है। सर्दियों में क्या होता है ना, ये ड्राई हो जाता है, और मानसून सीजन में ये हल्का सा चिपचिपा सा रहता है, पर ये होता है। ये शैम्पू आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में, साथ के साथ में हेयर फॉल को आपके क्लियर करने में। आपके हेयर्स में कितनी भी जिद्दी डैंड्रफ हो रखी है वो सारी इन शैम्पू से क्लियर होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो ये पिलग्रिम के शैम्पू है, ये अभी लॉन्च हुए हैं और ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं
तो ये शैम्पू जो है क्लिनिकली प्रूवन है, स्पेशली डिजाइन किए गए हैं डैंड्रफ के लिए, हमारे स्कैल्प के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन स्कैल्प के अकॉर्डिंग। इसमें जो यूज किया गया है वो ऑस्ट्रेलियन टी ट्री ऑयल, साथ में इसमें सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमारे सेल से डैंड्रफ को क्योर करती है, बिल्कुल खत्म करती है, और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, क्योंकि जब हमारे हेयर्स पे डैंड्रफ नहीं होगा और हमारी स्कैल्प एकदम हेल्दी रहेगी तो हेयर ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होगी। मुझे इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा सीरियर हेयर फॉल हो रहा है और साथ में मुझे इतना ज्यादा जो है वो डैंड्रफ भी हो रहा है, स्कैल्प मेरी बहुत ज्यादा चिप। अभी भी आप देखोगे, देखो मैंने अभी हेड वॉश नहीं किया लेकिन मेरी हेयर्स जो है वो ये देखिए कितने ज्यादा ऑयली ऑयली फील हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेरे स्कैल्प जो है वो ऑयली हो रहे हैं, जबकि मैंने कोई भी ऑयल अपने हेयर्स में नहीं लगाया। ठीक है, तो ये क्लिनिकली प्रूवन है ये जो शैम्पू है पिलग्रिम के, और ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, किसी भी तरह का इसको बनाने के लिए केमिकल यूज नहीं किया गया। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है उसमें वो है ऑस्ट्रेलियन टी ट्री ऑयल एंड सैलिसिलिक एसिड। मैं बहुत सारे शैम्पू सैलिसिलिक एसिड वाले डैंड्रफ के लिए यूज करती हूँ। मैंने इसकी पूरी रेंज मंगाई है, जिसमें मुझे शैम्पू, ये एक हेयर मास्क है, ठीक है, एंटी डैंड्रफ हेयर फॉल हेयर मास्क है ये, और ये इसका कंडीशनर है। कंडीशनर और जो ये हेयर मास्क है इसमें सेम इंग्रेडिएंट यूज करे गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन टी ट्री ऑयल और बाकी सारी इनमें जो चीजें हैं वो दोनों में बिल्कुल सेम ही यूज करिए, आप इसको अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए, दोनों के बेनिफिट सेम ही है। बट इसमें सैलिसिलिक एसिड है एंड टी ट्री ऑयल है, इसमें भी ऑस्ट्रेलियन टी ट्री ऑयल है, तो ये दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल ही सेम है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर। और इसमें है एक्स्ट्रा टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड, और भी एक दो चीज, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करेगी वो जब आप परचेज करोगे तो आप इसके जो है वो इनग्रीडियंट्स को अच्छी तरीके से पढ़। तो इसको वॉश करना आसान है, जस्ट आपको इसको पानी में इंक्लूड करके भी आप लगा सकते हैं, देन इसको डायरेक्टली आप स्कैल्प के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी सा है और बालों में बहुत अच्छा सा वर्क करता है। आपको जस्ट डायरेक्ट अप्लाई करके वॉश नहीं करना है, आपको कम से कम एक मिनट तक इसको अपने स्कैल्प पर रहने देना है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसका कंडीशनर। कंडीशनर आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नप बना देता है और स्मूथ बनाता है बालों को, और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी रखता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई आपको फील होंगे, हाइड्रेट फील होंगे, और सॉफ्ट नप, बहुत सॉफ्ट हेयर्स हो जाते हैं जब मैंने इसको अप्लाई किया ना हेड वॉश करने के बाद, तो बाल में इतने ज़्यादा। तीन से चार बार मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ और इसके रिजल्ट के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे फर्स्ट वॉश में, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली में इसको सबको ट्राई करवाया, खासकर मेरे भाई को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, जैसे और भी लोग हैं मेरे घर में उन सभी को बहुत ज्यादा डैंड्रफ होती है, तो उन सभी को मैंने इसको एक बार ट्राई करने के लिए दिया। मैं खुद से चाहती थी कि इसके रिजल्ट कैसे हैं, तो सभी लोगों ने इसको ट्राई किया और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, सभी को एक वॉश में ही उनके डैंड्रफ जो है वो क्लियर हो गए। आप लोग खुद से टेस्ट करना, टेस्ट करके कमेंट करके मुझे बताना फर्स्ट वॉश में ही आपके डैंड्रफ जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ क्लियर होता है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड ATD15 यूज कर सकते हो, उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और जाकर पिलग्रिम की ये न्यू हेयर डैंड्रफ रेंज को ट्राई करना, डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि मैंने ट्राई किया है और मुझे बहुत ज्यादा फर्क लगा है, तभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो है वो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर मेरी एक फैमिली की तरह, और मैं चाहती हूँ कि सभी को इसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे दिखाई दे। तो आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई करना जाकर, और कमेंट ट्राई करने के बाद बस जस्ट वन वॉश के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को इसके रिजल्ट कैसे लगे, अच्छे लगे बुरे लगे जैसे भी लगे मुझे कमेंट के जरूर बताना। लेकिन मेरी तरफ से तो इन ये वाले पिलग्रिम के शैम्पू के लिए मैं थम्स अप बोलूंगी कि रियल में बहुत ज्यादा हद तक जो है वो डैंड्रफ बहुत ज्यादा हद तक, मतलब पहले वॉश में ही मेरा 90% डैंड्रफ जो है वो क्योर हो गया था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे सिर में डैंड्रफ है भी, और सर्दियों में मुझे इतना ज्यादा डैंड्रफ होता है कि अगर मैं इस तरीके से अपने हेयर्स को थोड़ा सा भी वो करती हूँ ना तो मेरे शोल्डर पर डैंड्रफ आ जाता है। मेरे यहाँ पर वीडियोज बनाती हूँ ना तो कभी कभी मेरे यहाँ पर भी बहुत सारा डैंड्रफ जम जाता है, जिनको मैं सर्दियों में पूरा टाइम बस ऐसे 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 करती रहती हूँ। तो ये मेरा जनरल रिव्यू था इस पिलग्रिम की जो है वो रेंज पर, और आप लोग भी जाकर बाय कर लेना इनकी वेबसाइट पर जाकर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना, उन लोगों को भी बताना इस वीडियो के बारे में और कि उनको चीज का सोल्यूशन मिल गया है। तो बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट।